ये क्वेश्चन मैंने पहले एड से लिख दिया। दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाई थ्री मैथड्स, अभी तक जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक तो इसको रेसलाइज कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, और एक इधर से रेसलाइज कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। एक बार मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे कर दिया, ये देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये इसको मैंने क्या कहा, माइनस साइन थीटा ओवर, आज तो ये कई चैनल्स में मेरे हिसाब से शायद अब होगा, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो हिंदुस्तान वो हल्द्वानी के एक बहुत बड़े स्कूल ने कहा, जब बच्चे ने स्कूल में दिखाया होगा, किसने बताया, ये तो मैंने बताया नहीं था, कैसे कर दिया, उनका एक रावत सर है, उन्होंने बताया। तो कहा आपने रावत सर को कहना ऐसे नहीं होता, इसमें तो वो यहाँ आया तो ठीक था, मैंने लड़ना थोड़ना किसी से, मैंने तो सिर्फ आपकी औकात दिखा दी आपको। तो मैंने बोला ठीक है आज के बाद हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अब आप मेरे हिसाब से करोगे सवाल, आप करेंगे ये ऐसे नहीं होता है, जिसका मतलब या तो आपने पढ़ा नहीं है टीचर ने या आपने प्रैक्टिस नहीं की, दोनों हो सकती है। मैंने आपको बोला कि सवाल तीन प्रकार से हो सकता है, मैंने ये सवाल ऐसा कर दिया था, आपने मुझे डिनाई कर दिया, तो तब मैंने क्या किया, जैसे आज मैं आपको राइट हैंड साइड से जैसे मैंने ये बोला यहाँ से करो, आप इसी सवाल को अपने स्कूल के पूरे हल्द्वानी के एक साथ आप कॉन्फ्रेंस में अगर आप बोलेंगे ना कि सर दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय राइट हैंड साइड, अगर 100 में से 99 का पसीने के आप पहले तो 100 में से 100 के पसीने छूट जाएंगे। तो इस सवाल की खूबसूरती सबसे बढ़िया क्या है, आप इसको देखो, इसको सॉल्व करके आप 2 भी ला सकते हैं, नहीं तो इसको आप ऑल्टरनेट कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसको आप उसके बाद देखा करें। मैंने ऐसा किया, उन्होंने डिनाई किया, कोई बात नहीं, आप करो। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, आप नहीं भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, नहीं लेते आप क्या फर्क पड़ेगा, तो ये तभी आप करेंगे जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। आप क्या करो सीधा सीधा, आप देखो आपने एलसीएम ले लिया, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह जाते हुए महसूस होते हैं, तो आप करें एलसीएम में आप करना कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और आपका देखो ना कैसा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, आपने एलसीएम ले लिया, ये आपका देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, इससे जब ये वन टाइम कैंसिल होगा तो ये रिमेनिंग है, इट विल गो अप एंड मल्टीप्लाइड विद दिस, आपका देखो तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बन जा One will multiply with this one, और ये आपका देखो यानी कि ये इसके साथ चले जाएगा जब डिफरेंट होते हैं, तो ये cot theta n माइनस आपका देखो cos theta, ये माइनस साइन यहाँ, इससे ये वन टाइम कैंसिल हो गया तो ये बचा, यानी कि ये बचा, ये इसके साथ चले जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, यहाँ देखो देखो ओके सर। नाउ आप क्या करो साइन थीटा cot theta मल्टीप्लाई मोनोमियल बाइनोमियल मोनोमियल बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल पॉजिटिव बाइनोमियल होगी, एंड प्लस माइनस का माइनस दिस दैट साइन थीटा कोसेक थीटा, नाउ माइनस प्लस का माइनस साइन थीटा कॉट थीटा, आप साइन बाहर निकाल देते तो साइन किसी के साथ आता ही नहीं, बात को काम आता है, तो ना देखो दिस, और माइनस माइनस का प्लस आपका देना माइनस प्लस का माइनस, और नीचे नीचे डिनोमिनेटर में इधर, अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हमने तो उस टाइम पे काम किया है सर, जिस समय हल्द्वानी में तो ना तो कोई कोचिंग थी और हिंदुस्तान में बहुत रेयर केसेस में थे और इतने चैनल ही नहीं थे, तो 2019 के बाद एजुकेशन सिस्टम थोड़ा एक्टिव हुआ, लोग एक्टिव हुए, रील बनाने लगे और ये बनाने लगे, तभी से आपका नाम ऐसे कह, ये देखो ये खलनास हो गया, माइनस और माइनस सेम लाइट टर्म है तो दे विल बी, तो माइनस वन साइन थीटा कोसेक थीटा एंड माइनस तो दिस माइनस टू साइन थीटा एंड आपका देखो कोसेक थीटा ओवर, इसको आप पहले कर लीजिएगा नाउ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस
अब यहाँ पे देखो आईडी जो होती है ये दिस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। हिंदुस्तान में कई बच्चे ऐसे होंगे 95% बच्चे नालायक जो इस सवाल को कर ही नहीं सकते हैं, इसकी वैल्यू नहीं रख सकते हैं, आप तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद रिजल्ट आप देखेंगे 80% 70% फेल तो कोई हो ही नहीं रहा, फेल यहाँ वही गधा होता जो गधे से नीचे टट्टू होता है। अभी ये इधर माइनस आया देखो ये इधर, और इन दोनों को उधर ले जाइए, माइनस वाला उधर चले जाएगा प्लस, और आपका ये उधर चले जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह में माइनस वन, माइनस टू साइन थीटा कोसेक थीटा अपॉन ये माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो गया। अब टू यहाँ पे रेसिप्रोकल रूल लगा दो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की जगह में वन लगेगा। आर एच एस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड। आप घर जाके क्या करेंगे इसको, यहां राइट से करना, टू को रहने देना और इसको आपका ना ऊपर आप क्या करेंगे इसको रेस्टलाइज करके देखना जाए, या इधर से आप इसको लाने की कोशिश करो क्या क्या आता है आप ये देखिए। मैंने इससे करा था दोनों साइड को सॉल्व करके, हाँ इससे दोनों साइड को सॉल्व करके इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या है वन माइनस कॉस थीटा, और इसको भी सॉल्व आया किया होगा yes, तो ये भी आपका नाम वन माइनस कॉस थीटा किया होगा yes, इज इट क्लियर yes, तो ना तो अब आप देखो इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री में आप ऐसे भी आपका नाम इनको सेट कर सकते हैं। तो बहरहाल चलो एनी हो आपने वो कर दिया था, मैंने ये मैथड आपको बता दिया, दैट्स वेरी फाइन। और आप रेशनलाइज करके किया था आपने इसको, रेशनलाइज करके या आपने कॉसेक थीटा कॉट थीटा की वैल्यू रखी और इसकी वैल्यू रखी आपने कॉट थीटा, ठीक है दैट्स गुड। आज घर जाके आप रेशनलाइज कर लेना, तो तीन चार पांच मेथड से ये सवाल हो सकता है, इज इट क्लियर। सो नाउ प्लीज़।